आइए सर। बिराजी अरे भाई अमन, क्या शानदार दावत दिए हो, बहुत मजा आ गया खाने में। कैसी बात कर रहे हैं मंत्री जी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, ये तो आपका बड़प्पन है। अरे नहीं भाई, इसमें बड़प्पन की कोनो बात नहीं है, हम ठहरे रुकी सुखी दाल रोटी खाने वाले जनता के सेवक, जनता चाहे तो अर्श पे बिठा दे, चाहे तो फर्श पे पटक दे, लेकिन आप जैसे अफसरों का साथ मिल जाए तो अगले इलेक्शन में हम जीत कर थोड़ी जनता की सेवा और करना चाहता हूँ मेरे भाई। नाम हमारे अच्छे लाल, काम भी अच्छा ही करता हूँ। बिल्कुल मंत्री जी, अगले इलेक्शन में आपको पूरा फायदा हो, इसके लिए एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारा तबादला रुकवा देते तो हम पूरी जान लड़ा देते आपको जिताने के लिए। मंत्री जी, जीतने का असली मजा जब ही है जब ज्यादा से ज्यादा वोटों से जीता जाए। बात तो लाख टके की है भाई, लीजिए। वैसे मंत्री जी, मैंने इलेक्शन को लेकर एक प्रोजेक्शन तैयार किया है। बताइए। ये देख। ये यहाँ, ये मेरा छोटा भाई आर्यन। अभी तो हम जाता हूँ, बाद में मिलूंगा आपसे। नमस्कार। नमस्कार। क्या हुआ बेटा? ये सब क्या है मम्मी? जिस मंत्री से मैं लड़ रहा हूं, मेरा भाई उसके तलवे चाट रहा है। अब समझ में आया, ये हमेशा इतने नेगेटिव क्यों रहते थे। ये उसी सिस्टम का हिस्सा है जिस सिस्टम को मैं जड़ से मिटाना चाहता हूं। हाँ आर्यन, हम सभी उसी सिस्टम का हिस्सा है, उसी समाज का हिस्सा है। ये महान शब्द, सिद्धांत, ये सब किताबी बातें हैं, उनसे कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। बड़ा आदमी बनने के लिए प्रैक्टिकल होना पड़ता है, और मुझे महान आदमी बनने का शौक नहीं है, मैं सिर्फ बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। भैया, जब इंसान की उड़ान ऊंची हो जाती है ना, तो नीचे के आम आदमी सब कीड़े मकोड़े नजर आते हैं, और आपकी उड़ान ऊंची हो चुकी है भैया, ऊंची हो चुकी है।